केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों संगठन के तहत राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत करना है। इस अवसर पर श्री शाह ने सहकारी बैंकों के सभी हितधारकों से बैंकिंग क्षेत्र के विकास और आधुनिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन वन टाउन हमारे शहरी सहकारी बैंक अभियान के तहत हर कस्बे में एक शहर एक सहकारी बैंक विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों के सहयोग से देश का समावेशी आर्थिक विकास संभव है और इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अंतिम छोर तक पहुंचे। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर सपनों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए, करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि विकास के आकलन के लिए आंकड़े एकमात्र आधार नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि देश के विकास में बड़े स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। श्री शाह ने कहा कि इस संगठन की स्थापना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।